जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए वो बड़ी खबर लेकर आ गए हैं जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और चलिए बिना देर के सीधा आपको लेकर चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको दिखाते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वो पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव अग्निपथ योजना में होने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर रिलॉन्च्ड अग्निपथ कुछ इस तरह से करके यहाँ पर एक ये पत्र वायरल हो रहा है। ये देखिए पूरी लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें अग्निपथ योजना को लेकर तमाम बातें बताई। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से सबसे इसका स्टार्ट पॉइंट आप देखिएगा, यहां पर रिलॉन्च्ड अग्निपथ, ये देखिएगा वापस से ये लॉन्च हो रही है। फिर आगे क्या लिखा है इसमें देखिए, फॉर डिमांड टू चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक समान स्कीम आफ्टर रिव्यू, यानी आफ्टर रिव्यू इसका समीक्षा करने के बाद अब इस योजना को अग्निवीर के नाम से नहीं, इसको सैनिक समान स्कीम के नाम से जाना जाएगा, इसका नाम बदल लिया जाएगा। और आगे इसमें क्या क्या बदलाव होने वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है चेंजेस आर डिक्लेयर्ड बिलो, ये चेंजेस यहां पर बताए जा रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है कि 25% टू 60%, यानी अभी जो अग्निवीर सेना भर्ती हो रही थी उसमें सिर्फ 25% को 4 साल के बाद में परमानेंट होने की बात है, लेकिन अब यहां पर बदलाव ये होंगे कि अब यहां पर 60% को परमानेंट किया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर हम चल लेते हैं तो देखिए यहां पर है टेक्निकल पोस्ट परमानेंट, यानी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आपको कि जिस तरह अभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट भर्ती होती है सेना में, उसी तरह से जो टेक्निकल पोस्ट है उसको भी परमानेंट कैटेगरी में लेने की बात सामने आ रही है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट पर हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा 4 ईयर ड्यूटी टू 7 ईयर, यानी कि अभी जो 4 साल का जो आपका सर्विस है, 4 साल की जो ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 7 साल किया जाए, ये बदलाव भी बड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो देखिए आफ्टर दैट फैमिली पेंशन, यानी बहुत बड़ा बदलाव है ये। अभी तक ये था कि अगर कोई अग्निवीर सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं थे, अन्य लाभ नहीं थे, लेकिन अब यहां पर यह भी मेंशन कर दिया गया है कि अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके बाद में उनके परिवार को भी पेंशन मिलती रहेगी। एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट आप पढ़ लीजिए, 5 नंबर पॉइंट में है ट्रेनिंग पीरियड 24 to 42 weeks, यानी कि 24 वीक से बढ़ाकर ट्रेनिंग को भी 42 वीक किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव यहां पर यह भी होने की बात सामने आ रही है। वहीं 6 पॉइंट में आप देखेंगे सैलरी इंक्रीज, यानी कि जो वेतन बहुत ज्यादा कम अभी तक देखने को मिल रहा था, अब इस वेतन को भी बढ़ाया जाएगा, तो यानी यह भी एक बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलेगा। वहीं आप देखिएगा पोस्ट इंक्रीज, जो भी सालाना वैकेंसीज हो रही है, 40,000 की वैकेंसी हो रही है, इसको भी बढ़ाया जाएगा, हर साल जो भर्ती है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। वही आप आगे देखिएगा, जो अभी 30 डेज की आपको एनुअल लीव मिल रही थी, सालाना 30 दिन की छुट्टियां थी, उन्हें बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहां पर जो 45 दिन है वो थोड़ा सा कम जरूर लग रहा है, इसे कम से भी कम 60 दिन तो किया जाना ही चाहिएगा, ये शायद सही रहेगा। फिर भी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेश जॉइनर्स नॉट कॉल्ड टू अग्निवीर, यानी अब जो नई भर्ती होंगी उन्हें अग्निवीर कहकर नहीं बुलाया जाएगा, बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। देखिएगा अगला पॉइंट पर हम बढ़ लेते हैं, अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक समान स्कीम, ये हमने आपको पहले ऊपर ही बता दिया कि अग्निवीर स्कीम का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम सैनिक समान स्कीम रखा जाना है। वही अब आप आगे बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट पर, देखिएगा टोटल पैकेज की बात कर ले तो यहां पर 41 लाख का पैकेज है, जो एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं आफ्टर 7 ईयर। देखिए मैं अगला आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, आफ्टर 7 ईयर गारंटेड जॉब प्रोवाइड, ये देखिए बहुत बड़ा बदलाव होने की बात सामने आ रही है कि 7 साल के बाद में आपको गारंटेड जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। एक बहुत बड़ा वादा किया जा रहा है, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। पहले एक बार इन सारे पॉइंटों को हम 1 by 1 जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इस लेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कहां से लेटर आया है, किसके थ्रू ये जारी किया गया है, लेटर की सच क्या है, हकीकत क्या है, वो तमाम बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम बढ़ लेते हैं, देखिए यहां पर लिखा है, अब आप यहां पर इस बॉक्स को देख लीजिएगा, देखिए अग्निपथ स्कीम टाइप ऑफ डिफरेंस सैनिक समान स्कीम, ये देखिएगा यहां पर अभी पहले 4 साल थी, अब यहां पर ड्यूटी पीरियड 7 साल कर दिया गया है। पहले यहां 22 लाख रुपए मिल रहे थे, अब यहां पर 41 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए 50 लाख यहां पर आफ्टर डेथ था, यहां पर 75 लाख आफ्टर डेथ कर दिया जाएगा। देखिए अभी तक यहां पर 10% का रिलैक्सेशन था, लेकिन अब 15% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वही ट्रेनिंग पीरियड की बात कर ले तो अभी 24 सप्ताह की ट्रेनिंग थी, जिसे बढ़ाकर 42 सप्ताह की ट्रेनिंग कर दिया जाएगा। वही देखिए अप्लाई में यहां पर एनओसी और यहां पर नॉट अप्लाई कर दिया गया है, और यहां पर देखिए 30 डे हॉलीडेज था, उस
उसको बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, यानी 30 दिन की छुट्टियों को 45 दिन में बदल दिया जाएगा। और देखिए यहां पर सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई, इसको भी आप देख लीजिएगा, सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसी ऑफ फरवरी 2024, और नीचे एक लाइन दी हुई है, ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून, यानी 23 जून को ये सभी बदलावों के बारे में राजनाथ सिंह द्वारा ऑफिशियली यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, इस तरह की बात इस पत्र में कही जा रही है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ये तमाम बदलाव जो एक पत्र में बताए जा रहे हैं, क्या ये पत्र कोई ऑफिशियल जारी हुआ है, क्या ये किसी आधिकारिक तौर पर लेटर जारी किया गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लेटर अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें जो पॉइंट बताए जा रहे हैं वो लगभग लगभग उन बातों से मैच जरूर कर रहे हैं, उस डाटा से मैच जरूर कर रहे हैं जो खबरें अभी हमें मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही है। जैसा कि वहां पर कहा जा रहा था कि 25% को बढ़ाकर 7% किया जा सकता है, वही कहा जा रहा 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल 8 साल किया जा सकता है, यानी मिलते जुलते पॉइंट हमें यहां पर इस लेटर में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डी न्यूज इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है कि ये ऑफिशियल है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, और जब तक ऑफिशियल तौर पर इस तरह का लेटर हमें सामने नहीं आ जाता तब तक हम इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हां, आधिकारिक तौर पर जब इस तरह की जानकारी सामने आएगी तो आपको उसे अवगत जरूर करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस लेटर को देखने के बाद जिन पॉइंटों को यहां पर बदलने की बात कही जा रही है, आप उनसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप की राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस तरह के बदलाव इस अग्निपथ योजना में कर दिए जाते हैं तो क्या युवाओं के लिए बेहतर विकल्प रहेगा, या फिर युवाओं के मन में कहीं अब भी कोई टैस रह जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सहरा में सहरा भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।